वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिवें कि असीं जाणदे ही हाँ कि अज की पीढ़ी रोगों नाल घिर चुकी है। अजकल रोग भी अलग प्रकार के हैं, पर इन्हां रोगों तो बचने लिए एक असीं तुहानूं ऐसी युक्ति दसण जा रहे हाँ जिस नूं अपनाउण नाल तुसीं सारे ही रोग दूर कर सकते हो। तो आओ जी ये पीढ़ी जाणिए। जिस वेले खाने का थाल तुसां दे सामने आवे जां तुसीं डाइनिंग टेबल ते बैठे होवो, खाना परोस के एक मिनट लई अखां बंद करके मालक दे चरणां दा ध्यान करो ते उस दा धन्नवाद करो कि हे सच्चे पातशाह, ये तुहाडी बख्शिश है जो मेरे वर्गे नखिद नूं एवें स्वादिष्ट भोजन छकण नूं दे रहे हो। मेहर करके इस नूं थोड़ा जिहा छक के जूठा कर दिओ, फिर एक ख्याली हथ बना के उस राही एक बुरकी श्री गुरु नानक देव जी की रसना नूं लवा दिओ। हो सकता है कि तुसानू ये किरिया पहला पहल कुछ कठिन जापे, पर हर रोज़ की प्रैक्टिस नाल ये बिल्कुल सुखैन हो जाएगी ते अखां मीटदिया सार ही मोर्चा फतेह हो जाएगा ते सचमुच ही वह भोजन प्रसाद बन जाएगा। खांदिया सार ही हजम हो जाए तो कोई विकार नहीं पवेगा, नाले जिसका जूठा भोजन खाईदा है उसकी मत आ जाएगी। मेरा सतगुरु जोगी जो रोग रहित है तो असी भी रोग रहित। जिस समय तुसी ये विधि हर रोज़ अपनानी शुरू कर दी तो कुछ फर्क आप ही नज़र आ जाएगा। इसलिए सारे के चरणों में हाथ जोड़ के बेनती है, ये बेनती जरूर अपनाओ। ये युक्ति अपने रोजाना के नियम विच बंद कर लवो अते किसी नूं कोई होर भी रोग होवे तां ओह गुरु नानक पातशाह दे चरणां विच रोज़ अरदास करिया करे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।